दूसरी इधर से जाने वाली है। कड़क छोड़ देती खाली बस
अरे आगे जगह नहीं मिलेगा, ये जगह सही था यार, जगह नहीं था आगे का, क्या आगे तो इधर ही है यार, और हेड बंद कर लेना, बंद करके रखो। हाँ बोलो, ए बोले Yeah.
खाली माथे दिखा क्या करेंगे। हमारा देश मतलब पूरे वर्ल्ड में वो उतने ही फेमस थे और ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। हिमालय पुत्र में उन्होंने मुझसे गवाया उन्होंने और हमेशा उन्होंने प्यार दिया। वो भगवान से प्रार्थना है कि उनको उनकी आत्मा को शांति मिले और वो नहीं हैं हमारे बीच लेकिन उनका काम उनकी फिल्म हमेशा हमारे दिल में है और रहेगा। There is no doubt in that that he was one of the greatest actor of Hindi cinema. He will always remain as Amar of Amar Akbar Anthony. As an actor, the whole country will miss him.
भाई एक बहुत बड़े कलाकार को हमने खोया है, हमने इनके साथ काम भी किए थे। इंसानियत के देवता केसी बुगाड़िया जी डायरेक्टर थे, आई वॉज बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मेरा, एक अच्छे इंसान, एक हैंडसम हीरो जो विलन से हीरो बने, आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस है। लेकिन बहुत बुरी बीमारी से मुबतला थे, मालिक इनकी आत्मा को शांति दे, पूरी इंडस्ट्री को शौक, बल्कि पूरी इंडस्ट्री ने इनके जितने चाहने वाले थे, एक बहुत हैंडसम हीरो हमारी इंडस्ट्री से रुखसत हो गई। नहीं, हम लोग तो एज एन एक्टर हमेशा कांटेक्ट में थे, और हमेशा कांटेक्ट में थे, हॉस्पिटल भी जाते थे देखने के लिए। और ये हुआ कि अब इतनी ख़तरनाक बीमारी थी जो बस पूरी फैमिली ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, और ये भी ज़िंदगी के लिए बहुत लड़े। बस यही है कि मालिक इनकी आत्मा को शांति के, यही दुआ कर सकते हैं। थैंक यू। विनोद खन्ना मेरे लिए मेरे भाई की तरह थे, प्यार से मैं उन्हें कहता था टाइगर, क्योंकि विनोद ने जो ज़िंदगी जी है, जिसे कहते हैं कि एक एक्टर की ज़िंदगी और एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी, इन दोनों ज़िंदगियों को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। मेरी विनोद के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। विनोद जब फिल्मों से एक तरह से हट रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे टेलीविज़न भी करना है, तो मेरे साथ बहुत उनकी खूब जमी। विनोद अपने असूलों पे ज़िंदगी को जीते रहे और अपने ही असूलों पे वो इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि विनोद जैसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। ही वॉज़ ए ट्रूली ए टाइगर, ट्रूली ए गुड ह्यूमन बींग एंड ट्रूली ए फैमिली मैन, हु टुक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, हु टुक केयर ऑफ हिज वाइफ। और मैं इतना कह सकता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से विनोद को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और भाभी कविता जो हैं अपने आप को संभालें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी जी जी, विनोद के साथ मेरा साथ बहुत लंबा रहा है। विनोद के साथ मेरा सिर्फ एज एन एक्टर साथ नहीं रहा, विनोद के साथ मेरी पहली फिल्म रातों का राजा और विनोद की पहली फिल्म मन का मीत एक ही टाइम में रिलीज़ हुई थी, और ज़माना था 1969 का, तो 1969-68 से लेकर 2017 तक का सफ़र विनोद के साथ बहुत लंबा रहा है। जब बिल्कुल हम साथ साथ ही स्ट्रगल करते थे, और साथ साथ ही वो विलन बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो शुरू से हीरो लगते थे। और मैं हमेशा कहता था कि टाइगर तुम्हें तो हीरो बनना चाहिए, इसे नहीं यार हीरो तुम बनो, मैं विलन ही अच्छा रहूँगा। बट लेट मी टेल यू, आज बहुत ही दुख की बात है कि विनोद हमारे बीच में नहीं है, और मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि कविता भाभी ने भी उनका बहुत साथ दिया है, बहुत ख्याल रखा, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दैट्स माय ओनली विश एक्चुअली। सुनो ना, मैं बैग ले
अंदर है ना गेट।